बिस्वानी क्लासेस में, और मैं लेके आया हूँ टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी के लिए बेहतरीन क्लासेस, कुछ एमसीक्यूज जो आपके सामने आने जा रहे हैं। और ये रहा उसका पहला एमसीक्यूज। आज हमने मेटाफिजिकल पोएट्री और मेटाफिजिकल पोएम से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस एज से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को, सारे एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश की। द फर्स्ट बिलोंग टू दैट वेरी एज, दैट इज द 17th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन विच पोएम दीज लाइन्स अकर? In some close corner of my brain, there I embrace and kiss her. ये किस पोएम से लिया गया है? और ये मेटाफिजिकल पोएट्स की पोएम है, किस पोएम से ये लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट है, जॉन डन की खूबसूरत पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस। इसका नाम आपने सुना है, प्रेजेंस इन एब्सेंस। ये मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बेहतरीन पोएम है, जो बहुत ही प्यारी पोएम है। मैंने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा था। प्रेजेंस इन एब्सेंस लवली पोएम है। और इसमें कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसको जिसको हम प्यार करते हैं, जब वो हमारे पास नहीं होता तो हमें उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, और उसको हम अपने बहुत नजदीक अपने हृदय के पास महसूस करते हैं। और ये जिसको आप प्यार करते हैं, वो जब आपके पास नहीं होता तो उसकी एब्सेंस में ही उस प्रेजेंस का एहसास होता है। बहुत ही खूबसूरती से उन फीलिंग्स का उन्होंने व्याख्यान दिया है, जो फीलिंग्स आपको महसूस होती हैं हमेशा अपने जीवन में। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द फ्ली? ये फ्ली पोएम किसने लिखी थी? तो ये ए जॉन डन, द फ्ली पोएम जॉन डन ने ही लिखी थी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। हु रोट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ शॉल? ये प्रोग्रेस ऑफ सोल, द प्रोग्रेस ऑफ शॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड नंबर का ए जॉन डन की ही पोएम है, प्रेजेंस इन एब्सेंस, द फ्ली और प्रोग्रेस ऑफ द सोल। ये तीनों पोएम्स लिखी हुई हैं जॉन डन की, जो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। आगे मैं बात करूंगा, हु रोट द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड? एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड ये भी लिखी हुई है जॉन डन की। तो जॉन डन एक प्रमुख नाम है मेटाफिजिकल पोएट्री के, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी नाम आएगा, ड्राइडन का भी आएगा, और सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। 20 के करीब क्वेश्चंस हैं और इसमें सारी बातें लगभग मैं मेटाफिजिकल पोएट्री की कवर कर लूंगा, लिटरेचर में आने वाली। हु रोट द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस? देखिए, प्रेजेंट इन एब्सेंस, प्रेजेंस होना चाहिए इसे, प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम किसने लिखी? तो भाई अभी अभी मैंने बताया कि जॉन डन ने ही प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। हु कंपेयर्स अ वुमेन्स ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड? एक बंजर भूमि और एक महिला के ब्रेस्ट से किसने कंपैरिजन किया है? ये 7th का बी जॉन काउले, अब्राहम काउले ने कंपेयर किया है, और अब्राहम काउले का हम यहां पर नाम लेंगे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, किसने कहा था? किसने कहा था ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन को कहा था, उसने मेटाफिजिक्स को बहुत ही प्रभावित किया, परिवर्तित किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? मेटा का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बियॉन्ड होता है, मेटा का मतलब परे होता है। फिजिकल माने जो शारीरिक रूप से आप महसूस करते हैं, तो शरीर से परे आत्मा और स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स हमेशा। तो बियॉन्ड है इसका मतलब, यानी फिजिकल चीज से परे। अफेक्शन एंड हाइपरबोल, अफेक्टेशन एंड हाइपरबोल्स आर चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री। किस पोएट्री की चीफ करेक्टरिस्टिक्स थी अफेक्टेशन एंड हाइपरबोल? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही होगा, मेटाफिजिकल पोएट्री की ये चीफ करेक्टरिस्टिक्स थी। इन विच पोएट्री नॉवल्टी ऑफ थॉट्स डिग्निफाइड एक्सप्रेशंस एंड फेच्ड इमेजेस फाउंड आर, ये कहाँ पाई जाती हैं, किस में? तो ये सारी बातें मेटाफिजिकल पोएट्री में ही पाई जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मेटाफिजिकल से ही रिलेटेड हैं, आप इनको 2-3 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम विच सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्री बिलोंग टू? मेटाफिजिकल पोएट्री किस सेंचुरी से बिलोंग करती? तो मैंने अभी बताया था आपको, 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यानी 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स आए। एक ऐसे कवियों का ग्रुप था जिनको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया, और उनको एक खास तरह की कविता लिखने के लिए जाना जाता है। फ्रॉम विच कंट्री द मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड? आप जानते हैं कि इटली वो
देश है, रोम वो देश है जहाँ से लगभग सारी सभ्यताएं निकली हैं और सारे ज्ञान के भंडार वहीं से निकले हैं। तो ये इटली ही वो प्लेस है जहाँ से मेडिकल मेटाफिजिकल मोड भी इंग्लैंड में आया, प्रकट हुआ। अबाउट हुम डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटली द बेस्ट। किसके बारे में डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि ये सबसे अपनी जाति अपनी प्रजाति के अंतिम व्यक्ति हैं और अनडाउटेडली बेस्ट हैं, निसंदेह ये सबसे अच्छे हैं। ये अब्राहम कावले के बारे में, अब्राहम कावले के बारे में डॉक्टर जॉनसन जो बहुत बड़े क्रिटिक थे उन्होंने ऐसा कहा था। टू हुम बेन जॉनसन सेड, किसके बारे में बेन जॉनसन ने कहा, द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, कुछ है ऐसा, बेस्ट पोएट, फर्स्ट पहला कवि जिसमें कुछ है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जॉन डन के बारे में कहा था बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म किससे, किसने उधार लिया डॉक्टर जॉनसन से। तो डॉक्टर जॉनसन से मेटाफिजिकल उधार किसने लिया टर्म, तो ये आपको पता है 17 नंबर का सी जॉन ड्राइडन ने ही मेटाफिजिकल टर्म को बोरो किया था डॉक्टर जॉनसन से। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, सबसे फेमस सबसे मशहूर पोएट कौन थे। ये सारे क्वेश्चंस आप अलग अलग तैयार करिएगा, फंसिएगा मत कि मेटाफिजिकल आया तो जॉन डन लगा दिया या क्या लगा दिया। आप उसको ध्यान से समझिएगा कि पूछ क्या रहा है, तभी आप उसको लगाइएगा। जॉन डन ही सबसे फेमस मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं, ये आपको पता है। फॉर हुम सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म डॉक्टर जॉनसन ने किस लिए उधार किया, मतलब किस के लिए कहा। तो ये ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के कुछ खास कवियों के नाम लिए उन्होंने और उस ग्रुप के सारे कवियों को मेटाफिजिकल पोएट्री, जिसमें अब्राहम कावले, जॉन ड्राइडन और जॉन डन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। थोड़ा सा नोट है यहाँ पर, यह है जिनेवा बाइबल जो 1560 में लिखी गई, जिसको जिनेवा बाइबल के नाम से जाना जाता है। 1560 में इसका वर्जन आया। इन वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, और ये बाइबल के बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन में से एक है, जिसको किंग जॉन्स ने कहा, किंग जेम्स वर्जन कहा जाता है। इट वॉज प्राइमरी बाइबल ऑफ 16th सेंचुरी, ये 16वीं शताब्दी की शुरुआती बाइबल थी। किसके लिए? प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए ये बाइबल थी, और ये यूज की गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, जॉन कॉक्स के द्वारा, जॉन नॉक्स के द्वारा, जॉन डन के द्वारा एंड जॉन बनियान के द्वारा। इन सभी ने इसी को ही माना, और जॉन बनियान के बारे में आप जानते हैं, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी के ये राइटर हैं, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी के ये राइटर हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीपीटी इज, हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म किसने क्वाइंड किया। तो ये आपको पता है मेटाफिजिकल टर्म किसने क्वाइंड किया, डॉक्टर काल कर रहे हैं बिटिया हमारी, क्या करें, जानते हैं सर जी खाली होंगे, लाओ बात कर लें थोड़ा सा, अभी बात करते हैं बाबू। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को मेटाफिजिकल, तो सबसे फेमस कवि मेटाफिजिकल पोएट के जॉन डन है, ठीक है ना, अब्राहम कावले, जॉन ड्राइडन, ये सभी इसके फेमस कवि हैं, लेकिन सबसे फेमस जॉन डन है जो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, और ये टर्म क्वाइन किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लगे रहिए बहुत तेजी से, मुझे चैन नहीं है और ना आपको चैन आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया मेरा ये प्रयास। थैंक यू।